रामनवमी पर्व को लेकर खरौंधी प्रखंड में अखाड़ा प्रमुख कृष्णा प्रसाद शाह तथा बजरंग दल प्रखंड अध्यक्ष उमेश प्रसाद जायसवाल के नेतृत्व में शुक्रवार को मोटरसाइकिल जुलूस निकाला गया। मोटरसाइकिल जुलूस खरौंधी से चलकर प्रखंड के मझीगावा, चंदनी, राजी, सुंडी, करीवाडी, सिसरी, अरंगी, कुपा पंचायत में गया। पुनः खरौंधी बाजार पहुंचकर मोटरसाइकिल जुलूस समाप्त हो गया। मोटरसाइकिल जुलूस में शामिल लोगों ने प्रभु श्री राम व हनुमान की भक्ति गीतों पर झूमते हुए भक्तजन जय श्री राम व जय हनुमान का जय घोष कर रहे थे। अखाड़ा प्रमुख कृष्णा प्रसाद शाह तथा प्रखंड अध्यक्ष उमेश प्रसाद जायसवाल ने बताया कि हर साल की तरह ही इस वर्ष भी बजरंग दल द्वारा रामनवमी पर्व पर मोटरसाइकिल जुलूस के बाद शनिवार को रथ से खरौंधी बाजार में भगवान राम की शोभ यात्रा निकाली जाएगी। शोभ यात्रा चंदनी देवी मंदिर से चलकर बाजार होते हुए खरौंधी देवी तक जाएगी। मोटरसाइकिल जुलूस में शांति व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल भी साथ चल रही थी। इस दौरान प्रमुख धर्मराज पासवान, उप प्रमुख गोरखनाथ चौधरी, गुड्डू जायसवाल, विवेकानंद यादव सहित दर्जनों बजरंग दल के नेता तथा कार्यकर्ता उपस्थित थे। पूरे प्रखंड में आज खरौंधी देवी धाम से रामनवमी के अवसर पर जुलूस का तैयारी जोर पर किया गया है। पूरे नौजवान, पूरे हमारे अभिभावकगण सभी के सहयोग से और प्रखंड प्रमुख हमारे धर्मराज पासवान, बड़े भाई उमेश जसवाल जी, कृष्णा प्रसाद जी, रमानंद मेहता जी, गुरु जसवाल जी के सहयोग से पूरे प्रखंड में घूम घूम कर यह बजरंग दल की ओर से, हिंदू विश्व प्रसाद की ओर से हम लोग रामनवमी के अवसर पर भव्य जुलूस निकालने जा रहे हैं। यह जुलूस पूरे प्रखंड के 200 गांव 9 पंचायत में जाएगा और यह संदेश जाएगा कि रामनवमी हिंदू समाज के लोग एकजुट होकर आज पूरे खरौंधी प्रखंड में हिंदू मय रामनवमी मय पूरे भगवान के जय जयकार करेंगे। जय श्री राम के नाम से गूंजेगा खरौंधी और खरौंधी के कल्याण के लिए श्री राम भगवान से हम लोग प्रार्थना करते हैं, आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि खरौंधी को ऊंचाइयों पर ले जाकर छोड़ेंगे हम लोग। जय श्री राम, जय हिंद, जय राम। पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं।